हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सर, पीके सर वेलकमिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी पार्ट अभी चल रहा है आप लोगों का, और दिस पार्ट दैट इज लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर में हम आज जो हमारा पुराना जो पार्ट था जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें, और उससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें की थी। ठीक है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में, अच्छा एक चीज़ और, ये जो क्लास है या जो ये जो अभी सेगमेंट चल रहा है, ये स्पेशली नीट और जेई के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑल्दो इट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल फॉर सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, बट स्पेशली फोकस इज ऑन नीट एंड जेई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, स्पेशली उन लोगों को इसमें ज़्यादा फायदा होगा जो लोग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्कशन है वो थोरो डिस्कशन होगा एंड डीप डिस्कशन होगा। ठीक है, जो टॉपिक होगा, जो भी कंटेंट होगा, आपको जो यहाँ पे कंटेंट मिलेगा अवेलेबल होगा, दैट विल बी अप टू द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम आज बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम की। व्हाई डू वी नीड नोमेनक्लेचर, क्वेश्चन ये है कि हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी, अगर इस नेचर के अंदर कोई भी चीज़ है, तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं। इन द सेम वे, अगर हमारे पास में कोई केमिकल है, हमारे पास में कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल है, तो एक इनबिल्ट क्वेश्चन है, एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन आता है कि इसका नाम क्या होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सिस्टम विच इंक्लूड्स द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए नोमेनक्लेचर के लिए आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और ये जो सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स को आपको तैयार भी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है वो सभी सिस्टम्स में से पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम। इस कॉमन नेम सिस्टम को ट्रिवियल नाम भी दिया जाता है, ट्रिवियल सिस्टम और ट्राइवियल भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, ट्राइवियल और ट्रिवियल सिस्टम। ठीक है, कॉमन नेम सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम। अब इसका डिटेल्स जो है अभी हम इसके जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो है सेकंड जो नेम का जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड सिस्टम। ठीक है, डिराइव्ड सिस्टम। और थर्ड जो है सबसे ज़्यादा फेमस, जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, अगर इसका इम्पोर्टेंस 25% है, इसका इम्पोर्टेंस 25% है, तो जो थर्ड सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंस 50% है, यानी कि इन सबसे भी ज़्यादा। ठीक है, आईपीएसी सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम्स के बारे में हम अब डिटेल से स्टडी करेंगे, और इनका जो डिटेल से स्टडी है वो हमें इस चीज़ के लिए भी फ़ायदा होगा कि हम एग्ज़ाम के अंदर, नीट की या जो जेई के एग्ज़ाम है उसके अंदर, हर टाइप का क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट एग्ज़ाम्स। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम के अंदर देखिए हम किस किस की बात कर सकते हैं। कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स एडिंग का नाम क्या है, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसी में हम दूसरा जो देखेंगे वो होगा कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हाइड्रोकार्बन
डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इनकी भी हम डिटेल से बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहला काम आता है हमारा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो क्लास टेंथ की अगर आप बात करें, क्लास टेंथ में, और हो सकता है आप लोगों ने क्लास इलेवेंथ में तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, खैर, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक डिफरेंट, एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में मिलती है, वहाँ पे पढ़ना है, उसको डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मीनिंग सिंपल सा, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि ऐसे चीज़ें, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होती हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से बोलते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोगों को क्लास टेंथ में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो टाइप्स होते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके अंदर जो टाइप्स की अगर हम बात करें, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की हम बात करें, तो अब मैं इसको पूरा कैसे बताऊँगा, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एच सी यहाँ पर मैं हाइड्रोकार्बन के लिए यूज़ करूँगा, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन ये आता है कि सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, सैचुरेटेड जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड का जो मीनिंग होता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसका मीनिंग कैसे बताते हैं। तो देखिए, सैचुरेटेड का मतलब हमें पता है कि कार्बन जो होता है उसकी टेट्रावेलेंसी होती है, सबको मालूम है। जब हम कार्बन की बातें स्टार्ट करते हैं, जब कार्बन का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम दो कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन इज टेट्रावेलेंसी एंड सेकेंड वन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखला, चेन बनाना, और टेट्रावेलेंसी का मतलब चार बॉन्ड बनाना। तो कार्बन की जो है मैक्सिमम कैपेसिटी चार बॉन्ड बनाने की होती है, ठीक है। अगर ये कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बना लेता है, एक कार्बन एटम अगर चार सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या ऐसे जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर क्या होगा, कार्बन के जो बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, फोर सिग्मा बॉन्ड्स, एक कार्बन, ईच एंड एवरी कार्बन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन विल फॉर्म फोर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में भी बना सकता है, और ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ में भी बना सकता है, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये जो कॉमन नेम सिस्टम होता है उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एक नाम दिया जाता है, और उस नाम को हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो एल्क वर्ड है, ई एल के, इसके अंदर अगर आप इसका एक ऑपरेशन करते हैं एल्केन का, तो एल्क प्लस एन, ये वर्ड है ये, ठीक है, एल्केन्स। और इस एल्क का मतलब क्या होता है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। एल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर टोटल कितने कार्बन है उसको हम बोलते हैं एल्केन, ठीक है। मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊँगा, क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आप लोग क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ चुके हैं और टेंथ क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो जैसे मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, CH4 कार्बन है, और उस कार्बन के साथ में चार हाइड्रोजन एटम जो है उसने लगा रखे हैं, उसने हाइड्रोजन के साथ में चार बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उसके लिए हम उसका जब नाम लिखते हैं, मैथ, एल्क, एक कार्बन के लिए जो है प्रफिक्स या हाइड्रोकार्बन होता है उसको मैथ बोलते हैं, और ये इसका सफिक्स है एन, तो ये क्या बन गया आपका, मीथेन या मैथेन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3, दो कार्बन है, और दो कार्बन जो है इन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है इसको, और इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एथ, ETH, एथ, और फिर से वही सफिक्स एथेन, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो बन गया आपका मीथेन, मीथेन, और सेकंड वाला जो है वो बन गया आपका ईथेन, मीथेन एंड ईथेन। ऐसे ही आप चाहो तो चेन को बढ़ा सकते हो, CH3
CH2CH3, ठीक है। यहाँ पे तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम जो यूज़ करते हैं एल्क वर्ड या जो रूट वर्ड जिसको हम बोलते हैं, तो वो है प्रोप। और तीन कार्बन, तीनों कार्बन में सभी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिटेल से पता है, ठीक है। तो प्रोप है और इसके साथ में ANE है। ANE का मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रोपेन, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। ये क्या है, ये कॉमन नेम सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके हमने ये तीन एग्जांपल्स देखे हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तीनों ही इम्पोर्टेंट, इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप लोग क्लास 10th में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन तीनों के ही कोई आइसोमर नहीं होते हैं, इन तीनों के ही कोई आइसोमर नहीं होते हैं, इसलिए इनके कॉमन नेम्स और इनके IUPAC नेम भी सेम होते हैं। तो ये इनके IUPAC नेम भी हैं। मीथेन का कॉमन नेम मीथेन ही होता है, वैसे आप लोग चाहो तो मार्स गैस भी बोल सकते हैं उसको, मार्स गैस भी बोला जाता है इसको। और इथेन, इथेन का कॉमन नेम इथेन ही होता है और IUPAC नेम भी इथेन होता है। प्रोपेन का IUPAC नेम भी प्रोपेन ही होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इनके आइसोमर्स नहीं होते हैं, इनके आइसोमर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इनके जो कॉमन नेम और इनके IUPAC नेम को इक्वल मानते हैं, इक्वल बोला जाता है। एक और एग्जांपल है आपके पास C4H10, C4H10, ठीक है। ये जो C4H10 है, अब मैं यहाँ पर आपको जो एल्केन्स का जनरल फार्मूला है वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि वो लोग वो जनरल फार्मूला जो है वो आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया है और उसके बाद क्लास 11th में भी आप लोगों ने पक्का 100% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि डिस्कस किया होगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में बताइए कि एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है। ये है आपका C4, C4 का मतलब चार कार्बन है और जो चार कार्बन होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। अब देखिए ये इंग्लिश का बट है, इंग्लिश वाला बट लग रहा है, लेकिन ये हमारा केमिस्ट्री का ब्यूट है। तो हमने केमिस्ट्री में जो ब्यूट वर्ड है वो इंग्लिश से उधार लिया है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश वालों ने हमारे केमिस्ट्री का ब्यूट ले लिया है, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है वो है ENE, तो ये जो वर्ड बनता है इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे चार कार्बन है, द वे ऑफ मेकिंग बॉन्ड। एक तो तरीका ये हो सकता है कि चार कार्बन चारों ही एक सीरीज के अंदर ऐसे बने हुए हो, एक तो ये तरीका है जिसके अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, फिर तीसरे कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ, एक स्ट्रेट चेन में। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, ऐसा जो कंपाउंड होता है उसके लिए हम एक सफिक्स यूज करते हैं स्मॉल एन, दैट स्मॉल एन इंडिकेट्स नॉर्मल, ठीक है। तो इसको हम फिर हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये जो स्टाइल है कार्बन का बॉन्ड करने का, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बन जो है वो इधर साइड चेन बना ले, एक कार्बन जो है वो एक साइड चेन का फॉर्मेशन कर ले। तो उस कंडीशन में अब इसका नाम तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल कॉमन नेम सिस्टम, हम IUPAC सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं अभी, IUPAC और या जो डिराइव्ड सिस्टम है उसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे इसके पास, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, टोटल 10 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो इसका नाम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉमन नेम सिस्टम, तो इस कॉमन नेम सिस्टम में इसको बोला जाता है आइसो, और उसके बाद में इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा बाद की बात है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका C4H10, एक केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल फॉर्मूला आपको जो गिवन है उसकी हमने बात की है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एक और फॉर्मूला देखते हैं, C5H12,
अब ये जो है पांच कार्बन वाला एक एल्केन है, पांच कार्बन वाला एल्केन है। पांच कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं, रूट वर्ड का मतलब जो ये है, जैसे रूट वर्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड मैथ एक कार्बन के लिए, एथ दो कार्बन के लिए, प्रोप थ्री कार्बन्स के लिए, देन फोर कार्बन के लिए, एंड फोर फाइव कार्बन्स वी यूज़ द रूट वर्ड पेंट, ठीक है। एंड देन सफिक्स इज ए एन ई, देन इट बिकम्स पेंटेन, इट बिकम्स पेंटेन। लेकिन प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेंटेन है इसके अंदर जो कार्बन्स का जो अटैचमेंट करने का जो वे है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कैसे, देखिए इसमें अगर पांच कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर एक सीधी चेन के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में ऐसे जो कार्बन, ऐसा जो पेंटेन होगा उस पेंटेन के लिए हम पहले प्रफिक्स यूज करेंगे नॉर्मल, और उसके बाद में उसका जो पेंटेन वर्ड जो यूज करते हैं नाम के लिए वो लिखेंगे। तो ये एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और इसको हम कब यूज़ करते हैं, एन या नॉर्मल कब यूज़ करेंगे, जब कार्बन सभी कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब इसमें और क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए चलिए मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ये ए है मान लीजिए। अब बी नंबर को देखते हैं, बी नंबर क्या हो सकता है, ए कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर एक चार कार्बन, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए चार ही हुआ ना, एक और बना देते हैं, चलिए ये पांच कार्बन हो गया। इस कंडीशन में यहाँ पर जो है चेन तो है चार कार्बन की, लेकिन एक ब्रांच है साइड में, एक ब्रांच है, और वो जो ब्रांच है वो एक कार्बन की ब्रांच है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो प्रफिक्स यूज करेंगे उस प्रफिक्स को हम बोलते हैं आइसो, क्या बोलते हैं उसको हम आइसो, और बाकी सब कुछ वही रहेगा पेंटेन आइसो पेंटेन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आइसो का यूज़ हमें कब करना है, किस कंडीशन में हमें आइसो का यूज़ करना है, आइसो जो प्रफिक्स है उसका यूज़ हम कब करें। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि आइसो का यूज़ कब करना है, जब सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन जो है उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में आपको आइसो वर्ड का यूज़ करना है, आइसो प्रफिक्स का यूज़ करना है। अब देखिए इसमें नंबरिंग करके देखते हैं, ये है वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, टोटल है यहाँ पर फोर कार्बन्स, ठीक है। जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें पता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो आप वन टू थ्री फोर या तो इधर जाएंगे या वन टू थ्री फोर नीचे आएंगे तो भी चार ही कार्बन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फोर कार्बन है इसमें से थर्ड जो कार्बन है वो सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया, ठीक है, या इसको नंबरिंग हम दूसरे तरीके से करते हैं, तो दूसरे तरीके से जब हम नंबरिंग करेंगे इसमें तो आपको जो है नंबरिंग के लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट से करते हैं वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री और फिर ये फोर, यानी या तो सेकेंड लास्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसके केस में हम आइसो प्रफिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम सिस्टम में जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई कंडीशन हो सकती है इसमें, देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए एक और कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, तीन कार्बन की एक चेन बनाते हैं, एक तीन कार्बन की चेन बनाते हैं, और उस तीन कार्बन की चेन के अंदर, उस तीन कार्बन की चेन के अंदर अगर बचे हुए दो कार्बन को हम सेंटर वाले कार्बन के ऊपर ऐड कर देते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पहले तो हाइड्रोजन की वैलेंसीज को, कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है उसको फिल कर देते हैं, तो सभी कार्बन्स पर चार तीन तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर टोटल 12 कार्बन 12 हाइड्रोजन्स हैं, और फॉर्मूले में जब हमने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया तो उसमें भी टोटल 12 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, आईपीसी नेम की बाद में तो बात तो हम बाद में करेंगे,
वो तो अभी आगे आएगा, पर हम बात कर रहे हैं कॉमन नेम सिस्टम की, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखिए नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, आप चाहो तो इधर से कर लो 1, 2, 3, किधर से भी कर लो। जो बीच वाला कार्बन है जिसके ऊपर चार कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है, उस कार्बन के ऊपर आपको अगर ये आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हो तो दो मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड हैं सेकंड कार्बन पे, ठीक है। तो जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे, ध्यान से सुनिए, जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर जब दो मिथाइल ग्रुप होते हैं तो उस कंडीशन में हम एक प्रफिक्स यूज़ करते हैं और उसको हम बोलते हैं नियो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नियो। और अब टोटल कार्बन इसमें 5 है तो पेंट हो जाएगा, नियो पेंट, और सभी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसलिए एन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया नियो पेंटेन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इसके क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आइसो ऑक्टेन जो है उसमें आइसो का मीनिंग क्या है। आइसो ऑक्टेन एक केमिकल, एक फ्यूल होता है एक्चुअली, इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, ऑक्टेन नंबर होता है। तो इसका जो आइसो है, इस आइसो का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसमें सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो इस आइसो ऑक्टेन में इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है मैक्सिमम, ठीक है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया है। चलिए क्वेश्चन ये है कि आइसो ऑक्टेन का IUPAC नाम क्या होगा। इसके साथ में ही आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिया गया है कि आइसो हेप्टेन का IUPAC नाम बताइए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी अच्छे से चल रही है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से IUPAC का जो नोमेनक्लेचर है वो लर्न किया है और जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, IUPAC हमने अभी तक नहीं बात की, लेकिन हम में से मीन्स आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आइसो ऑक्टेन और आइसो हेप्टेन इनका IUPAC नेम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका कॉमन नेम्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो था हमारा कॉमन नेम सिस्टम, इसमें हाइड्रोकार्बन्स कौन से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद में आता है कॉमन नेम्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम अभी, सिस्टम ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर दो टाइप का हो सकता है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ऐसे जो डबल बॉन्ड वाले, ओनली डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना ओनली यहाँ पर यूज़ करना है, ओनली डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए कॉमन नेम सिस्टम में उनको हम अल्काइलीन बोलते हैं, अल्काइलीन जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, अल्काइलीन या एल्किलीन बोलते हैं इनको, ठीक है। कॉमन नेम सिस्टम में इनको एल्किलीन या एल्काइलीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, एग्जांपल की जब हम बात करेंगे तो एक डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो कम से कम दो एटम होने चाहिए, तो इसका मतलब कि जो एल्काइलीन है उनके अंदर एक कार्बन वाला कंपाउंड पॉसिबल नहीं होता है, एक कंपाउंड जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो अब दो कार्बन की बात करेंगे हम, तो दो कार्बन के लिए जैसे हमने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम के लिए यहाँ से चलेंगे एल्क, तो एल का मतलब तो होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन दो हैं, दो कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं एथ, फिर आगे जो बाकी का जो मसाला है वो लगा देंगे हम, तो लग जाएगा इसके आगे इथाइलीन। बहुत सी एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है,
बहुत सी एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका क्या यूज़ किया जाता है। इथाइलिन जो है इसका, ये इथाइलिन क्या है, एक कॉमन नेम है किसका, इथिन का। आप जब आईयूपीएससी में आगे देखेंगे तो इसका आईयूपीएससी नेम इथिन होता है, इसका है कॉमन नेम इथाइलिन। क्वेश्चन ये है कि इसका यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इथाइलिन, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो आप गूगल गुरु की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और गूगल गुरु की हेल्प से आंसर फाइंड आउट करने के बाद में अपना आंसर चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एक और एग्जांपल इसी का नेक्स्ट देखिए एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तीन कार्बन की चेन है, एक डबल बॉन्ड भी है। कंडीशन हमारी क्या है कि ओनली डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, ये ओनली डबल बॉन्ड वाला फर्स्ट केस है, इसका फर्स्ट केस है, फिर ओनली ट्रिपल बॉन्ड वाला केस भी आएगा अनसेचुरेटेड में, तो अभी हम बाद में देखेंगे। ये है आपका तीन कार्बन का एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, और इसका नाम बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्रोप बनाना होगा, और उसके बाद में वाई, फिर एल ई एन ई, इसका नाम हो गया प्रोपाइलीन या प्रोपीलीन, ये इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है वो है C4H8, क्योंकि यहाँ पे तीन कार्बन का तो हमने देख लिया कोई आइसोमर नहीं बनेगा, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है C4H8। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि जो डबल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये भी आप लोग क्लास 10th में 11th में पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस ओनली डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये है C4H8, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम ऐसा बनाते हैं CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, एक कंडीशन तो ये बनती है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक ऐसा भी बन सकता है। एक कंडीशन हम ऐसा भी बना सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, एक ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो अब इनका हमें कॉमन नेम में नाम बताना है, ठीक है। तो जब कॉमन नेम सिस्टम के अंदर हम डबली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का नाम बताएंगे तो नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अल्फा बीटा। ओके, सो दिस इज़ द वे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब ये अल्फा बीटा डेल्टा गामा ये सब क्या है, तो ये ग्रीक लेटर्स हैं, ठीक है। ग्रीक जो लैंग्वेज है, जैसे हमारा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें होता है ABCDEFG 26 लेटर्स होते हैं, ऐसे ही ग्रीक भाषा या जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके ये लेटर्स हैं, तो वहाँ से हमने इस कॉमन नेम के लिए, नंबरिंग के लिए ये वाले सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, तो इसका जो डबल बॉन्ड का जो प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो बताती है कि हमें अल्फ़ा यूज़ करना है कि बीटा यूज़ करना है। तो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है नंबरिंग में सबसे पहले, तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, चार कार्बन की चेन है तो ब्यूट आ जाएगा, फिर हमारा जो लास्ट में है वाई एल ई एन ई, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे एल ई एन ई, तो नाम हो जाएगा इसका अल्फा ब्यूटाइलीन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अब तो इसका कर लिया तो इसका तो आप इजीली बता दोगे, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन वाले से डबल बॉन्ड बॉन्डेड है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलीन। अब यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन थर्ड वाला जो केस है वो थोड़ा सा अलग केस है, थोड़ा सा टिपिकल केस है। टिपिकल कुछ नहीं है। इस कंडीशन में हमें क्या है, हमें हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, आइसो वाला यूज़ करना है। आइसो कब यूज़ करते हैं, जब सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। नंबरिंग करने के लिए देखिए आप इधर से लीजिए किधर से भी ले लीजिए, लेकिन नंबरिंग करते समय आपको डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। नाउ सपोज़ आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड करना ही है,
तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सेकंड कार्बन पे आ रहा है, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसलिए हम आइसो यूज़ करेंगे। बाकी चार कार्बन का है, डबल बॉन्ड भी है, तो ब्यूटाइलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइलीन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, इसमें यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन आप कैसे भी करके देख लो, कैसे भी करके देख लो, सेम ऐसी ही आएगी किसी भी प्रकार का, अगर आप डायग्राम इसमें और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है। चलिए, ये था फर्स्ट पार्ट, कौन सा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट, जिनमें ओनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ओनली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओनली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ओनली ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन जब प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में जो, जैसे डबल बॉन्ड के लिए हमने एल्काइलीन वर्ड यूज़ किया था, एल्काइलीन यूज़ किया था, तो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में हम एसिटाइलीन वर्ड यूज़ करते हैं, एसिटाइलीन, ये इनका कॉमन वर्ड होता है, ठीक है। कॉमन सिस्टम के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स को एसिटाइलीन बोलते हैं, कुछ लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं, आपकी इच्छा है, आप इसको एसिटाइलीन बोल सकते हैं, आप इसको एसिटिलीन बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए फिर से वही बात है कि जैसे हमने डबल बॉन्ड में देखा था कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम दो कार्बन तो होंगे होंगे, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी मिनिमम दो कार्बन तो होंगे, सॉरी, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर दो कार्बन है, एक डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। अब इसके लिए आपको जो यूज़ करना है, इसके लिए आपको जो यूज़ करना है वो इस एसिटिलीन या एसिटाइलीन के डेरिवेटिव की फॉर्म में यूज़ करना होगा, तो इसी का नाम होता है एसिटिलीन, इसी का नाम क्या होता है, एसिटिलीन, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसका यूपीएससी नेम क्या होता है, जल्दी से सभी लोग बताइए अपने चैट बॉक्स में या कॉमेंट सेक्शन में कि इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, ऑल्दो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूपीएससी सिस्टम इन द कमिंग पार्ट, ठीक है। चलिए, सो ओनली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एसिटिलीन या एसिटाइलीन बोलते हैं। अब इसमें मैं एक चेंज कर देता हूँ, एक और कार्बन ऐड कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हाइड्रोजन ही आएगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी वायलेट नहीं कर सकते हम। चलिए, यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, सिंपल सा है, आपको ये देखना है कि ये पोजीशन तो प्रेजेंट है इसमें भी, तो इसके लिए तो यूज़ करेंगे हम एसिटाइलिन, जो हमारा पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, और ये जो एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम यहाँ पर एक प्रफिक्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मिथाइल एसिटिलीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटिलीन। चलिए, ये भी इजी एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एसिटिलीन जो है उसके अंदर अगर दोनों साइड में, एसिटिलीन के दोनों साइड में, अगर एसिटिलीन के दोनों साइड में मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये एग्जांपल है, यहाँ पर भी मैं एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूँ, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसके लिए जो है कॉमन नेम जो यूज़ करते हैं हम, वो है डाई मिथाइल एसिटिलीन, क्या नाम यूज़ करेंगे हम इसका, डाई मिथाइल एसिटिलीन, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है इस एसिटिलीन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई का मतलब दो, डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन, ये इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है। तो ये था आपका कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन कॉमन नेम सिस्टम के बाद में जो है हम डेरिवेटिव्स की भी बात करते हैं। कॉमन नेम सिस्टम के बाद में जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, अब ये डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हैं ये भी हमें देखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का कॉमन नेम सिस्टम क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं। देखिए इससे पहले एक छोटा सा वर्ड है हाइड्रोकार्बन रेडिकल, एक छोटा सा डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का मीनिंग ये होता है, सिंपल सा हाइड्रोकार्बन तो सभी जानते हैं, जैसे ये कार्बन है और इसके पास आपको पता है चार वैलेंसी होती है, इसका नाम हमें पता है मीथेन होता है, इसका नाम क्या होता है मीथेन। अगर इसमें से अगर माइनस एक हाइड्रोजन अगर माइनस हो जाता है तो जो कार्बन है उस कार्बन के पास अब एक वैलेंसी फ्री हो गई है, एक वैलेंसी फ्री हो गई है यानी वो एक बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये जो कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर या जो भी बना है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल। इन द सेम वे अगर जैसे इसकी बात करें तो CH3, ठीक है, इसमें से भी एक कार्बन जो है उसको आप हटा सकते हैं, एक कार्बन जो है उसको हटा सकते हैं, जब आप इसमें से एक कार्बन हटा देते हैं तो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो इसको हम लिखते हैं इथाइल, ये इसका नेम है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। अब ब्यूटाइल के अंदर जब आती है बात तो ब्यूटाइल के अंदर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, अगर नॉर्मल ब्यूटेन से अगर कोई रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर आइसो ब्यूटेन से हाइड्रोकार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल। नेक्स्ट नियो वर्ड का यूज़ कब करते हैं हम, जब किसी हाइड्रोकार्बन में सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन में नियो का यूज़ करते हैं। अगर नियो के केस में हाइड्रोकार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो जो है उसमें लास्ट में YL ऐड होता है, इथाइल मिथाइल नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। तो नियो पेंटाइल कैसे बनेगा, देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर आपने चार कार्बन बना रखे हैं, पांच कार्बन का हो गया टोटल, ये सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, पांच कार्बन हो गया। अब अगर हमें नियो पेंटेन बनाना होता तो इस नियो पेंटेन के अंदर जो चार साइड में जो कार्बन है उनके ऊपर सभी पे एक एक हाइड्रोजन होता, एक एक हाइड्रोजन होता, लेकिन लेकिन हमें बनाना है इसका हाइड्रोकार्बन रेडिकल। तो कौन सी वाली कार्बन की, किसी भी एक कार्बन की एक वैलेंसी को आप फ्री कर दीजिए, एक वैलेंसी फ्री करने का मतलब है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। अब ये जो कंपाउंड है इसको ही हम बोलते हैं नियो पेंटाइल, क्या बोलते हैं इसको हम, नियो पेंटाइल, ठीक है। ये तो सबसे सिंपल वाले एग्जाम्पल्स हैं, ये तो सबसे सिंपल वाले एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है और भी बहुत से अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन्स से, और भी अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन्स से अलग अलग हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे जस्ट इसके बाद में, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, सिंपल सा है, ये हमने एक यूज़ किया नोटेशन हाइड्रोकार्बन के लिए, R एल्काइल को डिनोट करता है, R जो होता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल R जो है वो एल्काइल को डिनोट करता है, एल्काइल, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन है यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से हमने क्या किया हाइड्रोजन को माइनस कर दिया और उसके साथ में कोई एक एटम ऐड कर दिया या कोई एक एटम्स का ग्रुप ऐड कर दिया, ये जो कंडीशन है, अब जो ये बना है इसको ही हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ये जेड क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं और आप लोगों को सभी के बारे में लर्न भी करना है क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स या कुछ हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स जो है आपके क्लास ट्वेल्थ के जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूडेड है,
तो उनकी बात हम करते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, फंक्शनल ग्रुप के ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है बट नीट और जेई के सिलेबस में है, तो वहाँ पे भी फिर उनको आपको डिस्कस करना होगा, आपको उनको लर्न करना होगा, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के जो कॉमन नेम सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, कॉमन नेम सिस्टम जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो दो टाइप के सिस्टम होते हैं उनको हम बोलेंगे कि ऐसे कॉमन नेम सिस्टम जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पे डिपेंड करते हैं, या ऐसे हाइड्रोकार्बन सिस्टम जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड नहीं करते हैं। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, HCR का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये वाला, इसको हम शॉर्ट में HCR पे लिख रहे हैं और इसको ही HCR के रूप में लिख रहे हैं। तो एक वो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका कॉमन नेम सिस्टम बताना है जिनमें हाइड्रोकार्बन रेडिकल डिपेंडेंट होता है, किस पे, हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंडेंट, और दूसरा है इनडिपेंडेंट जो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट, ठीक है। तो इन दोनों की हमें अलग अलग से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको ही हम कॉमन नेम सिस्टम में उनका फर्स्ट जो है कैटेगरी, जो डिपेंडेंट वाले हैं, जो फर्स्ट डिपेंडेंट वाले हैं उनके अंदर उसका नाम दिया जाता है। तो अब ऐसे कौन कौन से होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, तो देखिए सबसे पहला है हमारा OH को हम क्या बोलते हैं, इनका जो सफिक्स होता है वो होता है अल्कोहल। OH का सफिक्स क्या होता है, अल्कोहल। और इसके बाद में जो SH है, SH को हम क्या बोलेंगे, थायो एल्कोहल। जहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर आता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है थायो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है NH2, इसको हम बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं इसको, इसका सफिक्स क्या होगा, एमाइन, ठीक है। कुछ लोग हिंदी में एमीन भी बोलते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप इसको एमीन भी बोल सकते हैं, आप इसको एमाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में एक्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्स जो है वो हैलोजन को डिनोट करता है, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं हैलाइड, इनका जो सफिक्स होता है, ये सारे के जो नेम्स हैं वो सब किसके नाम हैं, सफिक्स हैं ये सब, यानी कि कॉमन नेम सिस्टम में इनका सफिक्स जब हम लिखेंगे तो एल्कोहल लिखेंगे इसके लिए, थायो एल्कोहल लिखेंगे इसके लिए, एमाइन लिखेंगे इसके लिए, हैलाइड के लिए एक्स लिखेंगे, ठीक है, हैलाइड के लिए एक्स लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका ओ, सिंगल ओ, ठीक है, एक ऐसा ऑक्सीजन जिसकी दो वैलेंसी है दोनों साइड में, इसको हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको हम, ईथर। ईथर क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिसको हम ईथर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये भी डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। कीटोन का मतलब ये वाला ग्रुप, ये इसको हम बोलते हैं कीटोन, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। ये फर्स्ट वाले ग्रुप जो है, फर्स्ट वाली कैटेगरी के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कीटोन। नेक्स्ट आता है आपका साइनाइड, ये साइनाइड वही साइनाइड है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसको खाने पर, नॉट ओनली खाने पर, जस्ट टच करने पर ही डेथ हो जाती है, होती है या नहीं होती है पता नहीं बट सुना है। आइसोसाइनाइड इसको बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं जिनके कॉमन नेम जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम
एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट वाले कैटेगरी का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए अल्कोहल का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3, CH2 और OH। तो इसमें OH तो क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये तो क्या है, OH तो फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका तो सफिक्स हमें पता है अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ये तो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हमने देखा था इसका नाम तो इथाइल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये इसका कौन सा नाम है, कॉमन नेम है ये, इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम क्या होता है सभी लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, क्लास 10th में इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए आपको इसका IUPAC नेम पक्का 100% पता होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही, ये है एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2 NH2 तो इसमें है, ये रहा एमाइन, इसका मतलब इसका सफिक्स तो यूज़ करेंगे, सफिक्स और प्रफिक्स का तो पता ही होगा आप लोगों को, इंग्लिश में भी आप लोगों के काम आता है, जो पहले ऐड होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के पहले जो ऐड होता है उसको हम बोलते हैं प्रफिक्स, और जो बाद में ऐड होता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो ये है सफिक्स। अब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, वैलेंसी जो है वो यहाँ से फ्री हुई है, तो यहाँ से जो वैलेंसी फ्री होती है तो उस कंडीशन में हम N यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो N, और यहाँ पर एक वैलेंसी ये फ्री है इसकी वजह से, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, ये इसका कॉमन नेम है, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब सेकेंड कैटेगरी के अंदर, सेकेंड कैटेगरी के अंदर जो है हम कौन कौन से एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हैं, सेकेंड कैटेगरी कौन सी है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉमन नेम सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं किसका, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में कॉमन नेम के अंदर दो कंडीशन है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो नेम है वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड करेगा, और एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो कॉमन नेम होगा वो हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड जो एग्जांपल है सेकंड कैटेगरी का वो है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ लोग इसको कार्बोजाइलिक एसिड भी बोलते हैं, तो अपनी अपनी मर्जी है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ही एक भाई है कीटोन, तो एक भाई इधर है एक भाई इधर है, दोनों भाई अलग अलग है, कीटोन कहाँ गया, ये रहा। ये एग्जांपल भी HCR डिपेंडेंट के ही हैं, ठीक है, HCR डिपेंडेंट के ही ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दो भाई हैं, एक ही माँ के दो बेटे हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कॉमन नेम सिस्टम की तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, एक इसमें आता है एक इसमें आता है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स की, तो जैसे ये है आपका एग्जांपल HCOOH, नाम तो सभी को पता है इसका, ये नाम होता है इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा है आपका CH3COOH, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड नाम से हमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कितने कार्बन होंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो नंबर है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसके बारे में भी एसिटिक एसिड के नाम से जिसने पहली बार सुना है उसको पता ही नहीं चलेगा कि एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल CH3CH2CHO, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो CH3CH2CHO है इसको हम बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये भी इसका क्या है, कॉमन नेम है प्रोपियोन, PROPION, प्रोपियोन एल्डिहाइड। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि इसमें 3 कार्बन होंगे शायद, ओके, बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो ये तो CHO तो इस क्या, इसका फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और ये अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करें तो यहाँ तो दो ही कार्बन है, तो दो कार्बन के अकॉर्डिंग तो इसका इथेन से या ईथ वाला यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रोपियोन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये इस सेकेंड कैटेगरी का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ये भी आप लोग सभी कर लेंगे एग्जाम्पल से। अब देखिए इसके बाद में आता है, इसके बाद में जो है हमने जो एक चीज़ बीच में छोड़ दी थी, एक चीज़ जो बीच में छोड़ दी थी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स की, कि हम कुछ हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आप लोगों के लिए जो सीबीएसई क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं और जो ट्वेल्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कि इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्चुअली आप लोगों को सबको पता ही होगा अब तक तो, कि आप लोगों की जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो डेट्स जो है, ड्यूरेशन जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, अनाउंस कर दिया गया है हमारे जो एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर बोल सकते हैं आप, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 4 मई से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, 10 जून तक चलेंगे। एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज जो डेट है वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस विल बी ऑल्सो अनाउंसड, सो यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, यू मैनेज, यू अरेंज योर सेटअप, योर टाइम टेबल, योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी पार्ट पे जितना फोकस करना है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको अरेंज कीजिए, ठीक है। तो ये था आज की क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, meeting you in the next class, till then take care, keep yourself safe and bye bye.